अब जो कुछ हमारे दरमियान में है, बोलते हनफी है, शाफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, सुन्नतुल जमात है, ये फुला है, ये फुला है, तो इसके बारे में बस इतना याद रख लो कि जिन लोगों ने ऐसा अकीदा नहीं बनाया जो अकीदा उनको इस्लाम के बाहर कर देता है, वो लोग फिरका नहीं कहलाते, वो मुसलमानों के मसलक या जमात कहलाते हैं। उन सब पर इस्लाम का हुक्म है, उन सब की तरफ इस्लाम मंसूब है, इसलिए उन लोगों को हम जातियात नहीं बोल सकते कि साहब ये एक जात है, ये एक जात है, ये एक जात है, ये जातवात कुछ नहीं है। ये सब लोग अपने अपनी फिक्र से दीन समझने में कुछ इख्तलाफ रखते हैं, आगे पीछे हैं। अब कौन सही है कौन गलत है वो तो कयामत में फैसला होगा। दुनिया में अपने अपने इल्म के मुताबिक मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ, तो ठीक है भाई, फैसला तो कयामत में होगा। मगर सब मुसलमान हैं ये, और इन मुसलमानों के बारे में एक ही बात हमारे अकीदे व अहलुस सुन्नत वल जमात के अकीदे में कही गई है, वनरस सलात खल्फ कुल बर्रिन व फाजिरिन व अलैहिम, हम हर नेको बद मुसलमान, लफ्ज मुस्लिम मोमिन, अगर ऐसा काम नहीं किया जो कुफ्र का सबब हो तो मुस्लिम है वो, चाहे आपस में एक दूसरे को काफिर बोल लेते हो तब भी मुस्लिम है वो। जब वो मुस्लिम है तो उसके पीछे नमाज पढ़ने को हम जायज समझते हैं, और वो मर जाए तो उसके ऊपर नमाज पढ़ने को भी हम वाजिब और जरूरी समझते हैं। ये सब मुसलमान हैं। हाँ, गुमराहियां हैं, उलमा अपने अपने इल्म के मुताबिक बताते हैं ये गुमराही है, ये गलत सोच है। खास तौर से अगर अहलुस सुन्नत वल जमात से हटे तो हम इसको बहुत बड़ी गुमराही और फिक्र की खराबी समझते हैं, और है भी है, लेकिन इतना नहीं हटा कि उसको काफिर कहा जा सके, जैसे शकीली, जैसे कादियानी मुसलमानों में से निकल के बाहर ही हो गए, आगे ही निकल गए बाहर, तो उनको फिरका कहते हैं। वो जहन्नमी फिरके हैं, वो कुफार हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। मुर्तदीन हैं ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम के बाहर हो गए हैं, उनके साथ हम उतना यकजहती भी नहीं दिखा सकते जितनी काफिरों, मुशरिकों, यहूदियों, नसरानियों के साथ दिखा सकते हैं, उतनी भी इंसानियत हम उनके साथ नहीं बरत सकते जो इस्लाम छोड़कर बाहर चले गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और हमारा कोई उनसे दोस्ताना नहीं। ये उनके हक में है जो मुर्तद हुए, और जो लोग गैर मुस्लिम हैं तो उनके इंसानी हकूक हम अदा करते हैं, उन्हें एक इंसान समझकर उनके साथ अच्छे रहते हैं, अच्छी माशरत उनके साथ करते हैं। ये सब हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए, इससे जाति नहीं बनते मुसलमान, छोटे बड़े नहीं बनते मुसलमान, माल की वजह से भी नहीं, जमाल की वजह से भी नहीं, ओहदों की वजह से भी नहीं, पुश्तीनी दौलत की वजह से भी नहीं, नस्ल की वजह से भी नहीं, किसी वजह से भी नहीं। अल्लाह के नबी का ऐलान है, ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअबयज़ अला अस्वद इल्ला बित्तक्वा, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं और किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। हाँ, ईमान और तकवा की बुनियाद पर फजाइल हो सकते। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और अगर हमारे सामने कोई हमारे दीन पे तोहमत लगाता है तो उसका जवाब देने, उसके डाउट को क्लियर करने और उसकी तोहमत को इस्लाम पर से हटा के फेंकने की हर मोमिन को अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए कि वो इतना काबिल हो कि वो इस्लाम पर लगने वाली तोहमत को उठा के फेंक सकता हो, जवाब दे सकता हो उसका। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए।